मंच पे आसीन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहेब भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और मेरे भाई धर्मेन्द्र प्रधान जी हमारे गृह राज्य से उपस्थित विनय सहस्त्र बुद्धे जी हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बी डी शर्मा साहेब अनिल जैन जी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी जय पांडा साहेब जफर इस्लाम साहेब और मंच पर आसीन सभी गणमान्य सदस्यगण मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया एक स्थान दिया मेरे जीवन में दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं और मेरे जीवन में वो दो दिवस पहला दिवस तीस सितंबर दो हजार एक जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए और उसी के साथ दूसरी तारीख दस मार्च 2020 जो उनकी पचहत्तरवीं वर्षगांठ थी जहां जीवन में एक नई परिकल्पना एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं मेरे पूज्य पिताजी ने और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहली थी और तीन मुख्य बिंदु हैं एक तो वास्तविकता से इंकार करना और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर ये स्थिति हो चुकी है वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है मेरा मध्य प्रदेश एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए चाहे हम किसानों की बात करें जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं तो जहां आज किसान त्रस्त है नौजवान भी बेबस हो चुका है रोजगार के अवसर नहीं वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा उसकी सूद नहीं और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है प्रदेश में रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में और जब ये स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना राज्य स्तर पर अलग स्थिति और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है तो तब मैं मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पर चलाना होगा तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन दो बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है और उस जनादेश का एक सक्रिय क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना ये जो क्षमता उनमें है मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है मैं आज नड्डा जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि आज यह मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया और मैं उत्सुक हूं नड्डा जी के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के दिखाए हुए रास्ते पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व अध्यक्ष के दिखाए हुए रास्ते पर और हजारों सैकड़ों करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनसेवा और देश के विकास में योगदान का अवसर मुझे मिलेगा इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं इन सभी महानुभवों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन बस इतना ही